बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ जासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 17। थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक लगाएंगे। डेरिवेटिव हम और डिटेल्स शेयर कर चुके हैं, तो अगर आपके रनिंग में नहीं है तो आप डेरिवेटिव को थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑपरेटर को अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 17। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अलग अलग भी कर लेते हैं तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। डेरिवेटिव पूरे चैप्टर हम कर चुके हैं, 2 चैप्टर्स। उम्मीद है कि आपको डेरिवेटिव में इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाई स्क्वायर है तो पहले 2 पावर को करेंगे फिर फंक्शन को करेंगे, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए एक्स को करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 2y/dy/dx इक्वस टू माइनस एक्स, 2 से कैंसिल हो गया, dy/dx आपके पास आ गया -x/y। अब एट गिवन पॉइंट ये स्लोप बन जाएगा, तो dy/dx बेसिकली है क्या, स्लोप ही है। तो पॉइंट क्या दिया हुआ आपको, 1, -1, ख्याल रहे पहला पार्ट कर रहे हैं सॉल्व। तो ये हो गया 1, -1, -4। तो अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो गया, x की जगह x की वैल्यू और y की जगह आपके पास y की वैल्यू। x क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ, -4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ग्रेडियंट आ गया 1/4। स्लोप को कहते हैं ग्रेडियंट। dy/dx एट गिवन पॉइंट क्या बन गया, स्लोप बन गया। अब पॉइंट दिया हुआ है तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट आपको क्या दिया हुआ, 1, -1, और स्लोप आपने क्या निकाला, 1/4। स्लोप आपने 1/4 कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये x1 y1 हो गया और ये स्लोप हो गया, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये y1 आ गया -4, स्लोप आपको दिया 1/4, x-x1 1 आपको दिया, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4, 1 = 4, 4, 4 = 16, x-1। सबको इस तरफ शिफ्ट कर लें, ये हो गया 0, x-4y -1 -16। तो ये हो गया मेरे पास आपका x-4y -17 = 0। This is the equation of tension. तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, equation of normal क्या होती है। Equation of normal y-y1 -1/m × x-x1। यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, चूंकि परपेंडिकुलर होती है तो लिहाजा m का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/m। जब आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता है। तो बहरहाल आप ये ज़हन में रखिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y-y1 -1/4 x 1 आपको दिया हुआ है, x1 उलट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -(-+), -4 x-1। तो ये हो गया आपके पास -4, ये हो गया -(-+), 4, 4 से कैंसिल, आप इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। तो ये हो गया 4x + y = 0 इज़ दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आइए स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पॉइंट दिया हुआ है 4,1 और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दे रखी है। तो जैसे कि अभी हमने स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी, वही सेम सिचुएशन हेयर वी हैव टू अप्लाई। -4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं और डायरेक्टली कर लेते हैं अलग अलग, तो एक स्टेप बच जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 1 4, 2 अपनी जगह रहेगा, और y का डेरिवेटिव dy/dx। ये 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इनको उधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि dy/dx कॉमन ले सकें हम। ये -4 इधर आकर प्लस हो गया, ये +2 इधर आकर माइनस हो गया, 2 आपके पास कॉमन आ गया, और dy/dx यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 2 से कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास dy/dx आ गया 2 - y + 1। अब डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट स्लोप बनेगा, तो पॉइंट आपको दिया हुआ है 4,1। ओके स्टूडेंट्स, 4,1 दिया हुआ है, तो x की जगह 4 और y की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, स्लोप बन गया, ये हो गया 2 - 4, x 4 दिया हुआ, y 1 दिया हुआ, x 4 y 1। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर -2 बच गया, नीचे 2 2 2 से कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई -1। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेडियंट आ गया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 = m x - x1। तो आपके पास y1 कितना है 1, स्लोप -1 निकाला, x1 कितना है 4, -4, सबको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया (x, y - 1, -4) = 0, (x + y - 5) = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, आइए आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y - y1 - 1/m x - x1। तो y1 आपके पास क्या है, 1 है, -1 है, ग्रेडियंट आपको -1 दिया हुआ है, x - x1 कितना है आपके पास 4 है, ये -1 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया x - y + 1। -4 में से 3 निकले, 1 निकलेगा तो -3 बचेगा, इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 1 by 1 हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने ऑर्डर को थोड़ा ख्याल नहीं रखा है, लेकिन इंशाल्लाह क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम इसके सॉल्व कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।